हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाला यमी फुल टमी पाइनएप्पल पेस्ट्री। चलिए अब बढ़ते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ओर। हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2.25 कप पाउडर शुगर, 1 कप तेल, 1/2 कप दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप कोई भी 1 कप सेट करके उसके हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले हम लेंगे दही एक क्लीन बाउल में, उसके बाद हम लेंगे तेल, दोनों को अच्छे से फेंटेंगे। हमें तब तक इसे फेंटना है जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर इसका नहीं आता। देखिए 2 मिनट्स विस्क करने के बाद इससे ये क्रीमी हो गया है। उसके बाद हम प्री हीट कर लेते हैं एक तरफ पैन, उसे ढक के लो फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। दूसरी तरफ एक कुकर, लो फ्लेम पे इसे भी प्री हीट कर लेंगे। फिर लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी के 1/4 चम्मच का 1/2 बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। उसके बाद हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ये फ्लावर मिक्स करेंगे, सब मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर लेंगे 1 कप पानी, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना लम्स वाला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पूरा मेरा 1 कप पानी इसमें चला गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। और डालेंगे 1 पिंच येलो कलर, क्योंकि ये पाइनएप्पल पेस्ट्री है, इसमें थोड़ा येलो कलर मिक्स करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना पाइनएप्पल एसेंस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी पर। अब हम एक पैन लेंगे और उसे ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे, उसके कॉर्नर्स पे भी अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस करना है ताकि हमारा केक चिपके नहीं। और एक छोटा वाला टिफिन लेंगे, उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसे डस्ट कर लेंगे। देखिए अच्छे से डस्ट करना है, तभी हमारा केक बिना चिपके निकलेगा इसमें से। फिर एक अच्छे से मिक्स देंगे बैटर को। हम इसमें 1/2 पोर करेंगे इस टिन में। और आप इस टिफिन में 1/2 पोर कर लेंगे। जिसके पास टिन है वो टिन में बना सकते हैं, जिसके पास टिफिन है वो टिफिन में बनाएंगे। ठीक है, देखिए 1/2 ही पोर किया है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका हीट। अब वो प्री हीट हो चुका है। हम प्लेस करेंगे एक प्लेट, पलट के दाल रखेंगे इस पे, उसमें टिफिन रख देंगे पैन में और उसे ढककर रख देंगे। कुकर चेक करेंगे, उसमें रखेंगे प्लेट पलट कर, छोटी सी
और ध्यान रहे बहुत गर्म होगा, इसलिए केयरफुली आप इसमें भी अपना टिन रख देंगे और इसके लिए बंद कर देंगे और फ्लेम एडजस्ट करेंगे मीडियम टू लो हीट के बीच में 5 मिनट्स के लिए। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब लेंगे हम पाइनएप्पल, इसका आधा पोर्शन। और इसे पील करना स्टार्ट करते हैं। मेरा पाइनएप्पल पील होके तैयार है। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके इसे प्यूरी बना लेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम फ्लेम लो पे रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। दूसरी तरफ पैन में प्यूरी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से उबाल आने के बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, 2 टेबलस्पून पानी लेंगे, पिंच ऑफ कलर डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसे पाइनएप्पल प्यूरी जो पक रहा है इसमें डालेंगे और इसकी जेली बनाएंगे। देखिए अच्छे से पकने के बाद ठीक हो गया है। अब इसका फ्लेम बंद करते हैं और इसे ठंडे के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम और इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरा नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। अच्छे से विस्क करेंगे। जैसे हम विस्क करेंगे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। देखिए देखिए अभी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। हमारे केक को बेक होते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए हमारा फोक क्लीन निकल रहा है तो इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। अगर आपका फोक पे कुछ चिपक रहा है तो आप और 5 मिनट्स बेक कर सकते हैं। देखिए फिर हम विस्क करेंगे व्हिपिंग क्रीम। अभी देखिए अब स्टिफ पीक्स आ गए हैं। अब हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार है। अब हम इसे डेकोरेट करना शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम, ट्रे पे रखेंगे ताकि वो हिले नहीं। उसके ऊपर रखेंगे केक बड़ा वाला, कट करेंगे बीच में से। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। 2 टेबलस्पून शुगर, 2-3 टेबलस्पून पानी, थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ब्रश की मदद से सोक कर देंगे। देखिए फिर हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे इसकी। फिर हम लेंगे जेली, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जेली का। फिर हम सेकेंड पार्ट उठाएंगे इसका, केक का, इसके ऊपर रखेंगे। फिर शुगर सिरप लेके सोक करेंगे।
फिर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम का लेयर। अच्छे से कवर कर देंगे। फिर दूसरा छोटा वाला पोर्शन लेंगे। सेंटर में से कट लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा स्पंजी है हमारा केक। कट लगाएंगे, देखिए कितना स्पंजी है। इसके ऊपर एक पार्ट लगा रखेंगे। शुगर सिरप, फिर व्हिपिंग क्रीम, पाइनएप्पल जेली, ये पलट के रखेंगे। ये वाला पार्ट शुगर सिरप, व्हिपिंग क्रीम, अच्छे से पूरा केक कवर कर देंगे। फिर लेंगे पाइपिंग बैग, व्हिपिंग क्रीम भरेंगे, इसके ऊपर जेली ड्रिजल करेंगे। डेकोरेट करना शुरू करेंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आफ्टर ऑल फ्रेंड्स, यू आर योर ओन बॉस। मुझे ये वाला डेकोरेशन इजी लगता है, इसीलिए मैं इस हिसाब से करती हूँ। एक और बात है फ्रेंड्स, अगर आपको डबल लेयर वाला पेस्ट्री नहीं चाहिए, सिंगल लेयर चाहिए, तो आप इसमें से आधे पोर्शन वाले इंग्रेडिएंट्स लेके सिंगल पोर्शन वाला पेस्ट्री बना सकते हैं। मैं इसे और एक्स्ट्रा डेकोरेट करती हूँ, जस्ट जेली वाला जेली लेके। अगर आपको जेली पसंद है तो आप जेली यूज कर सकते हैं, अगर आपको चेरीज पसंद है तो आप चेरी यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखने में इतना खूबसूरत है, खाने में उतना ही टेस्टी अभी रहेगा। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आएगा। ये हमारे घर में तो सबका फेवरेट है। ये आप भी बनाइए, खाइए, घर में सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.